चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो कक्षा 10वीं की हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान बुक्स पर थे। तो इसमें दो चैप्टर आप लोग खत्म कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है तीसरे चैप्टर के बारे में। इसमें क्या है, धातु एवं अधातु के बारे में हमें विस्तार से जानना है। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप समय रहते हुए एनसीईआरटी कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी पढ़ लें, एक से दो बार कम से कम पढ़ ही लें। ठीक है, हम लोगों ने भी कवर कर ली है आपकी कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक की, लगभग पूरी हो चुकी है और 11वीं 12वीं की बचती है आपकी। तो जैसे ही टाइम मिलता रहेगा इन्हें भी हम लोग कवर करते रहेंगे। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप लोग खुद से एक से दो बार पढ़ लें, क्योंकि आपको, मुझे नहीं लगता है कि इसमें टीचर की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत साधारण शब्दों में लिखे गए हैं। और जो जो आपके लिए बुक्स जरूरी हैं वो सभी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो आपको परेशान भी नहीं होना है। आपको जाना है, वहां से डाउनलोड करना है और पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में सब चैप्टर वाइज चैप्टर डली हुई कक्षा 6वीं से 10वीं तक की। अभी आगे 11वीं 12वीं की भी कवर करवा दूंगा जैसे ही टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, वैसे धातु और अधातु के बारे में हम लोग कक्षा 9वीं की बुक्स में विज्ञान में काफी अच्छे से पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी यहां बता देता हूं एक सामान्य जानकारी के लिए। ठीक है, 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर आप धातु एवं अधातु में वर्गीकृत यानी कि बांट सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग पर विचार कर सकते हैं। कीजिए, आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत यानी कि बांटते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इस तत्वों का उपयोग से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां आपको बता देता हूं धातु और अधातु। तो धातु याद रखिए, आप देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो आपके 118 तत्व हैं, उनमें से 91 तत्वों को आप देखेंगे धातु है और 27 तत्व इसमें देखेंगे अधातु है। ठीक है, धातु एक ऐसे कठोर पदार्थ है, धातु एक ऐसे कठोर पदार्थ है जो विद्युत के अच्छे चालक, सुन लीजिए, जो विद्युत के अच्छे चालक, बहुत से अन्य भी इसमें देखेंगे आप लोग, भंगुरता, तन्यता, कठोरता, आघात बर्णीयता, ये सभी इसके एक तरह से गुण है। ठीक है, इसकी पहचान है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि धातु उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन, धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें हम लोग धातु कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये आपके धातु हो गए। क्या हो गए? धातु हो गए। और भी है आपके लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टेडियम, टाइटेनियम, तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है काफी विस्तार से। अब अधातु के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो अधातु हम लोग उन्हें कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? अधातु। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी आपकी क्या है? अधातु है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भौतिक गुण की, बात करते हैं भौतिक गुणधर्म। धातु, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग 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 करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। आप लोगों से जब भी विज्ञान में पढ़ाता हूं तो बता भी चुका हूं कि आपको इस तरह के क्रियाकलाप नहीं करना है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बस पढ़ना है, अच्छे से समझना है और निकल जाना है, क्योंकि हमारे पास ना तो आपके पास इतनी सुविधा है कि इस तरह की सभी चीजें आप इकट्ठी करेंगे फिर एक प्रयोगशाला बना देंगे, ना ही हमारे पास। तो हमें पढ़ना है और निकल जाना है। ठीक है, जो कक्षा 10वीं में पढ़ता होगा वो बेहतर तरीके से करता रहेगा। और आप देखते हैं स्कूलों में इसके लिए प्रयोगशालाएं भी रहती हैं।
तो चलिए क्रियाकलाप 3.1 को देखते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए, प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रैगमाल से रगड़ रगड़ कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को, इसके क्रियाकलाप के नीचे जो लाइनें दी जाती हैं, उन्हें जरूर आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, ये भी एक तरह से आप गुणधर्म ही कह सकते हैं। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्रियाकलाप 3.2, आयरन ऑक्साइड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाली चाकू से काटने का प्रयास कीजिए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर की भी दबाकर इसे सुखा लीजिए। वाच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आपने जो भी देखा हो, अब आप यहाँ पढ़िए। आपने देखा है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ठीक है। फिर आपका क्रियाकलाप 3.3 है, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु के लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा है? अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लीजिए। इसे पढ़िए आप लोग। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? अगाध वर्धिता कहते हैं, ठीक है। फिर आपका क्रियाकलाप 3.4, उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आप देखते हैं एल्यूमिनियम का भी तो आप लोग उपयोग करते हैं, कॉपर। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग तन्यता कहते हैं, यानी कि बढ़ जाना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में पूछते रहते हैं, आपकी प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं। तो याद रखना, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। अगर इससे आप लोग 1 ग्राम सोना लेंगे तो आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं सोना महंगा होता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आगाध वर्धता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं, यानी कि बदला जा सकता है, समझ। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? उनका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तांबे की भी बर्तन होते हैं, कॉपर भी के बर्तन होते हैं, स्टील के, लोहे के भी बर्तन होते हैं आप लोग। चलिए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्रियाकलाप 3.5, एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए। चित्र 3.8 में दिखाया गया इस तरह की बात की जा रही। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या फिर बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ा देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण को लिखिए और क्या धातु का तार द्रवित यानी कि द्रवित हो गया? धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। स्टैंड हो गया, क्लैंप हो गया, ये वर्णन धातु का तार, तार का खुला सिरा, पिन, मोम। तो धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है और तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, इन्हें भी याद रखिए। सिल्वर, कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इसकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं, एक तरह से अपवाद कह सकते हैं। याद रखिए एक बात और, याद रखिए गलनांक का मतलब सीधा सा ये है कि गलने की इनकी उच्च क्षमता होती है। कम मतलब हाई ताप करना पड़ेगा, हाई आप सोचिए कि बहुत गर्म करना पड़ेगा तब जाके ये पिघलेंगे, गलेंगे, ठीक है। इस क्रियाकलाप 3.6 को भी देख लीजिए। चित्र 3.2 में एक विद्युत सर्किट यानी कि परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है
उसी परिपथ में टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है, इससे क्या पता चलता है, इस तरह की बात की जा रही है। बैटरी हो गई, क्लिप, बी बल्ब, स्विच, जांच के लिए धातु का टुकड़ा। ठीक है, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों चढ़ी होती है, आप खुद सोचिए। एक तांबे का तार है, उस पर आप देखते हैं कि एक काली रबड़ इस तरह की कुछ ना कुछ व्यवस्था रहती है कि उसका बाहर कुछ मतलब कनेक्शन ना रहे करंट का। आपने देखा होगा एक समय कि जब हमारे यहाँ खुले तार डले रहते थे, लाइट बिजली के लिए आते थे, तो जब पानी बरसता था तो कई पशु कई व्यक्ति भी मारे जाते थे। लेकिन अब आपने देखा है कि केबिन डल चुकी है, उसमें आप देखते हैं कि बड़ी मतलब कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा नहीं है कि बीच में कोई लंगड़दार की इस तरह की व्यवस्था कर ले। तो इससे एक सावधानी बरतने के लिए इस तरह का काम किया जाता है। आप भी तो जानते हैं आपके घर में प्रेस है, प्रेस के ऊपर भी तो आप देखते हैं उसकी जो भी वायर होती है उस पर भी तो रबड़ लगी रहती है। सोचिए कि खुला रहता तो क्या होता, आप धोखे से अगर छू लेते उसे तो आपका काम खत्म। समझ रहे, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, क्या हुआ है, कोई आवाज उत्पन्न करती हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। आप कभी लोहे को पत्थर से टकरा के देखिए क्या होता है, आपको मालूम चल जाएगा। एक कुछ मुझे लगता है कि सामान्य जानकारी है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में देखते रहते, आपको अनुभव करना है। अब बात करते हैं अधातु। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। आपने देखा है ना, अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण है। ब्रोमियम एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, आइए इसका भी हम लोग पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 3.7, कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन के नमूने एकत्रित कीजिए। इन धातुओं को से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक क्रियाकलापों को दोहराइए, अपने परीक्षण को लिखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि अगर हमारे पास इस तरह की सुविधा होती प्रयोगशाला की तो हम इन्हें आसानी से भर सकते थे, और हमें जरूरी नहीं है भरना। ठीक है, तो हमें इन्हें छोड़िए, अब आते हैं हम इतिहास। मैंने बताया ना कि मैं नोट्स बना के भी आपको पढ़ा सकता था और बता सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको एनसीईआरटी तब समझ में आते। ये बेहतर तरीके से आपको मतलब ओरिजिनल एक तरह से एनसीईआरटी बताई जा रही है आपके सामने, तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो एक परिवार की तरह समझना है, मुझे लगता है। ठीक है, हमने कहीं आपको गलत बता दिया है तो आप मुझे भी बताइए, नीचे लिखिए कि ये गलत है, इसका ऐसा होगा, थोड़ा विस्तार से लिख दिया करिएगा। इससे क्या होता है कि कोई आ रहा है हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे अपना परिवार का कोई मेंबर, तो वो आराम से देख ले। समझ रहे, इसमें कोई महान नहीं है, कोई ज्ञातक ज्ञाता नहीं है, हम भी वही एक तरह से हैं और आप भी वही एक तरह से। हम लोग यही सोच के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग एक तरह से सिविल सर्विस की तैयारी ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी किसी क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है, आपसे बोल दिया जाता है कि आप खुद पढ़ लें। सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातुओं और अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे, केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद देखेंगे। उदाहरण के लिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आप समझिए कि एक तरह से अपवाद, हम लोग इस तरह से एक किसी भी गुणधर्म के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये धातु है या धातु है। ठीक है, क्योंकि कई अपवाद भी देखने को आपको मिलेंगे। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है।
यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। किसका? हीरा का। कार्बन का एक अन्य अपरूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत का संचालक होता है। समझ रहे हैं आप लोग? आपने देखा था कि धातुएं संचालक होती हैं, लेकिन यहां तो अधातु भी संचालक है। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं और तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए क्रियाकलाप 3.8 को देखते हैं। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए यानी कि जलाइए। उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले नीले लेटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए और मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न हुए धुएं को एकत्रित करने के लिए उसके ऊपर पर एक परगनली रख दीजिए। इस परगनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्या आप इस अभिक्रिया की समीकरण लिख सकते हैं? अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वही अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं। अगले भाग में हम लोग आपको धातुओं के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। बस यहाँ आपको सभी क्रियाकलाप ना करते हुए आपको इस लाइन को याद रखा करिएगा, पढ़ लिया करिएगा अच्छे से ध्यान से, आपको पूरा निष्कर्ष बता दिया जाता है। तो अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में क्या देती हैं, घुलकर अम्ल बनाती हैं। जबकि जो आपकी धातुएं हैं ये क्या करेंगी, क्षार की ऑक्साइड प्रदान करती हैं और ये क्षार देती हैं, ठीक है, क्षार बनाती हैं। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 से 3.2.4 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। मैं आप लोगों को रोक नहीं रहा हूं कि आप प्रयोगशाला में जाकर मत करिएगा, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप ये धातुएं इकट्ठा करने में काम बिगड़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मस्ती करते हुए पढ़ते रहे। समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको 2 से 3 महीना में पूरी एनसीईआरटी एक बार खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 8वीं तक की जो भी एनसीईआरटी बहुत पतली पतली है, आप एक सप्ताह में के भी खत्म कर सकते हैं उन्हें। समझ रहे हैं? तो जितने जल्दी कर सकते हैं उतना बेहतर आपको, आपके लिए रहेगा। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, यानी कि धातुओं का वायु में जलाने से क्या होता है। क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा है कि वायु में चमकदार स्वेद ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा इसकी जांच करते हैं। क्रियाकलाप 3.9। सावधानी, निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें तो बेहतर होगा। एकत्रित की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ भी यह क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थों को एकत्रित कीजिए। उत्पाद तथा धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष की तरफ। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, ये अभिकर्मक हो गए आपके, ये उत्पाद धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यहाँ आपने देखा है कि संगत धातु के साथ ऑक्साइड बनाती है, यानी कि ऑक्सीजन भी मिल जाता है। यहाँ देखिए आप लोग, कॉपर ऑक्सीजन एक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, 2Cu, जिसे आप लोग कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं या कॉपर ऑक्साइड कह देंगे आप लोग सामान्यतः। इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम को देख लीजिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है, ए ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको प्रदान करता है। 4Al,
3+3O2 ये अभिकर्मक हो गए, ये आपके 2Al2, 2Al2O3, इसे आप लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। अध्याय दो में आपने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बारे में भी याद रख लिया करिएगा कि कुछ अपवाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो क्या करती है कि अम्ल अम्लीय के साथ साथ क्षारीय भी दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। Al2O3 +6HCl ये अम्ल है, ठीक है? क्या देगा ये? 2AlCl3 और +H2 3H2 यानी कि जल। Al2O3 +2NaOH ये क्या देगा? 2NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस जल, ये उत्पाद के रूप में दे रहा है। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। देखिए Na2O+H2O यानी कि जल क्रिया करके क्या बना रहा है? 2NaOH। ऐसे ही K2O ये जल के साथ मिलकर क्या बना रहा है? 2KOH। क्रियाकलाप 3.9 में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, इनकी सुरक्षा के लिए। सामान्य तौर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है लोहे का, लेकिन जब वर्नर की ज्वाला में लोहे चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसे भी देख लेते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है और एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा है कि देखा होगा कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, बड़े अच्छे से पढ़िए। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा शब्द आपको दिखाई दे जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मान लिया जाता है कि आपका बेस काफी मजबूत है। अगर आपको रटने की आदत होती, समझने की आदत ना होती, तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते, समझ रहे हैं, जहां आप एक एक लाइन रट लेते कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी की मौत कब हुई, गांधी जी ने क्या किया। अगर आप समझदार हैं और आप समझने की चाहत रखते हैं तो आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो बड़े ध्यान से पढ़िए, आराम से आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशानी आएगी।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 3.10 यानी कि 3.10 के द्वारा इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 3.9 की तरह समान धातुओं के नमूने एकत्रित करना है आपको। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है? जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हें ऐसे बीकरों में डालिए जो गर्म जल के आधे भरे हुए हैं। गर्म जल से आधे भरे हुए हैं। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, उसके लिए चित्र 3.3 की तरह उपकरण व्यवस्थित कीजिए और भाप के साथ उनकी अभिक्रिया को उपेक्षित कीजिए। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसे पढ़ लिया करिएगा बस, ठीक है। इस चित्र को आप देख रहे हैं, ये आपका बर्नर हो गया, ये धातु हो गई आपकी, जल से भींगा हुआ कांच तंतु ये दिख रहा है, एक कुथनल नली और स्टैंड, इसमें एक क्लेम आपको दिख रहा है, ये निकास, ये आपकी द्रोणी। उसके बाद आप देखेंगे गैस H2O, एक गैस जार हो गया H2O हाइड्रोजन गैस और ये प्रेसिस्टेंट। चलते हैं, इसका मेन निष्कर्ष यहां दिखाई देता है आपको। क्रियाकलाप पढ़ने के बाद इस पूरे पैराग्राफ पर बहुत अच्छे से ध्यान दे लिया करिएगा। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं क्या क्या देती हैं? हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इस बात को आप भी जानते हैं। धातु प्लस जल यानी कि ये अभिकर्मक हो गए, ये दोनों मिलकर क्या देंगी? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन अलग से। यहां आप लोग देख लीजिए, धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या देंगे? धातु हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी? पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्मा छिपी होती है और कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती यानी कि जलने लगती है, ठीक है। यहां आपको दिखाई दे रहा है 2K प्लस 2H2O अभिक्रिया करके 2KOH और प्लस H2 प्लस ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा देगी, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे 2Na प्लस 2H2O अभी अभिकर्मक के साथ काम करेगी और क्या देगी? 2NaOH प्लस H2 प्लस आपका ऊष्मीय ऊर्जा देगा। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। जैसे आप देख रहे हैं Ca प्लस 2H2O क्रिया करके Ca कोष्टक OH आधार 2 प्लस H2O यानी कि सॉरी H2 आपका हाइड्रोजन है। क्योंकि उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एक बात और याद रखिए, आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, पूछ लेगा कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है या नहीं, कौन सी धातु किसके साथ अभिक्रिया करती है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी? एल्यूमिनियम आयरन जिंक। लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। यहां आप देखेंगे 2Al मतलब 2 आपका एल्यूमिनियम और प्लस 3H2O यानी कि जल, ये अभिकर्मक हो गए। यहां आपको देगा Al2O3 प्लस 3H2
हाइड्रोजन गैस है। इसी तरह आप लोहे को भी ले सकते हैं, ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि ना तो ये गर्म जल से, ना ही ठंडे जल से और ना ही भाप के रूप में, ये तीनों रूप में नहीं करती है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब आपसे ऑप्शन दे देगा नीचे, और कई बार पूछ लेता है कि वो इनमें से कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है या नहीं करती है या करती है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आईएएस में ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं आप लोग कि निश्चित एक क्वेश्चन बनेगा। और एक बात और आप देखते हैं कि जब भी आंसर की आती है, यानी कि आंसर उसकी की निकाली जाती है, आंसर बताए जाते हैं प्रीलिम्स होने के बाद, तो आप देखते हैं कि कोचिंग वाले भी कई क्वेश्चनों के आंसर गलत बताते हैं, क्योंकि देखिए उनके आंसर बताना बता पाना संभव नहीं होता है। अब आप सोचें कि अगर 80 क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें, तो मुझे तो नहीं लगता है कि संभव है 80 क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। 50-55 बहुत है, इतना अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ पेपर आता है, समझ रहे हैं आप लोग। अब बात करते हैं क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल, ये अभिकर्मक हो गए आपकी, और उत्पाद के रूप में क्या दे रहे हैं, लवण और हाइड्रोजन। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार की अभिक्रिया करती हैं, आइए इसका भी पता हम लोग लगाते हैं। क्रियाकलाप 3.11, सोडियम तथा पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए, यदि नमूने मलिन हैं तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ भी कर लीजिए। सावधानी, सोडियम तथा पोटेशियम को नहीं लीजिए, क्योंकि वे ठंडे जल के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम। नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा युक्त परख नली में डालिए। थर्मामीटर को परख नली में इस प्रकार लटका दीजिए कि उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। बुलबुले बनने की दर का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। कौन सी धातु तनु हाइड्रो क्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, आपने किन धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता के कारण के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। छोड़िए इसे, आप इस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है, इसके बाद जो पैराग्राफ आता है उसे बड़े ध्यान से पढ़ लिया करिएगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। जब धातुएं आपकी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब आपको हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है। क्या HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O या फिर NO फिर या NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज अति तनु यानी कि HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। क्रियाकलाप 3.11 यानी कि 3.11 में आपने देखा है कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी, इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में बढ़ती है, पहले आपका मैग्नीशियम फिर आपका एल्यूमिनियम फिर आपका जिंक और फिर आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। क्या करता है, अभिक्रिया ही नहीं करता है। यहां कुछ आपका पॉइंट दिया गया है, इसे भी देख सकते हैं। एक्वारेजिया रॉयल जेल का लैटिन शब्द है, 3:1 के अनुपात में सांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, यह गोल्ड को काला कर सकता है, गोल्ड को कैसा कर सकता है, गला सकता है, सॉरी। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेली यह क्षमता नहीं होती है, एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक भी है और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। अब देख लेते हैं अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं, किसके साथ, लवणों के साथ।
क्रियाकलाप 3.12 यानी कि 3.12 को देखते हैं। कॉपर का एक स्वच्छ तार और आयरन की एक किल लीजिए। कॉपर के तार को परखनली में रखें और आयरन सल्फेट के विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखनली में रखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दीजिए। 20 मिनट के बाद अपने परीक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चलता है। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है? क्या आप अपने परीक्षणों की क्रियाकलाप 3.9, 3.10, 3.11 से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है इसे छोड़िए, आप लोग यहाँ डायरेक्ट पढ़ के से निकल आइए। यहाँ देखिए, धातु की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया, ये आप देख रहे हैं, तांबे का तार हो गया, ये आपका लोहे की कील हो गई, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट का विलयन भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट का एक कॉर्क हो गया धागा, ठीक है, परख नली स्टैंड हो गया। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या फिर गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा है कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की है। किस किस के साथ? ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ। लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते हैं। आपने अध्याय एक में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझाना बहुत ही आसान है और सरल भी है। अगर धातु ए और धातु बी कोष के विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील कैसी है? यह बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। क्या यह धातु ए और बी का लवण विलयन हो गया और ये अभिक्रिया करके ए का लवण विलयन प्लस धातु। क्रियाकलाप 3.12 में आपने परीक्षणों के आधार पर कॉपर और आयरन में से कौन कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद क्रियाकलाप 1.9 तथा 3.12 निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसकी बात कर रहा हूं, धातु की अपेक्षा अभिक्रियाशीलता है, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है। देखिए यहाँ ए बड़ा घटते क्रम में सबसे कम, ऊपर आप देखेंगे सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो इसमें पोटेशियम कैसा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। इन्हें भी याद रखिए, पूछ लेगा आपसे कि पोटेशियम सबसे कैसा है, अधिक अभिक्रियाशील है या कम है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा। और फिर उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्या जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर यानी कि तांबा, मरकरी, पारद, सिल्वर, गोल्ड, सबसे ज्यादा आप देखेंगे गोल्ड, ठीक है, और सबसे अधिक क्या देखेंगे? पोटेशियम। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं, धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। याद देखिए, बोरिंग लगता होगा, मैं भी मानता हूं आप लोगों को, अगर आपके पास सोचिए कि अगर कोई सुविधा होती अगर क्रियाकलाप की इस तरह की प्रयोगशालाओं की, तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आता पढ़ने में और समझ में भी बेहतर आता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हम छोड़ भी नहीं सकते हैं इस बुक्स को, तो आप लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएं देखी हैं। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित करती हैं? नवी कक्षा में अध्ययन किए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए, यानी कि याद कीजिए। हमने जाना है कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह अपने एम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब एल कोष इसका बाह्यतम कोष बन जाता है।
जिसमें स्थाई अष्टक उपस्थित होते हैं। क्या स्थाई अष्टक उपस्थित होते हैं? इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है और तथा यह सोडियम धन आयन N+ प्रदान करता है। दूसरी ओर आप देखेंगे क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और तथा इसके के एल एम कोशों में से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड रेडाइन Cl रेडाइन प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्व के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। जब हम लोग कक्षा 10वीं 12वीं में पढ़ते थे 11वीं में, तब हम लोगों को बड़े बेहतर तरीके से हम लोगों ने देखा होगा कि हमें सब ए रटे हुए होते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग कुछ छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ये तत्वों के प्रकार हो गए, ये तत्व हो गए, परमाणु संख्या कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के एल एम एन। उत्कृष्ट गैसें, इन्हें भी याद रखिए, उत्कृष्ट गैसें और धातुएं, जैसे हीलियम को ले लीजिए, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 2। कोश के पहले ही कोश में भर जाएगा 2 के कक्षा में। नियोन की संख्या कितनी है? परमाणु संख्या 10। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 पहले कोश में आ जाएंगे, फिर 8। आर्गन की कितनी है? 18। तो 2 पहले में, 8 और एम कक्षा में आप देखेंगे 8 आ जाएंगे। फिर आप धातुओं की बात करूं तो जैसे चलिए मान लीजिए ऊपर का तो आप लोग भर लेंगे, पोटेशियम की देखिए आप लोग 19 है, तो 2 इसमें आ गए के कक्षा में और 8 आपके एल कक्षा एम कक्षा और 1 आपका एन में। इसी तरह आप इसे भी देख सकते हैं, अधातुओं को भी देख सकते हैं, नाइट्रोजन का देख सकते हैं। ठीक है, इनके सब परमाणु संख्या भी इनकी याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कई बार। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम क्लोराइड आयरन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। क्या होता है? विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। यह आप देख सकते हैं सोडियम धन आयन Na, इसके कितने हैं परमाणुओं की संख्या? आप देखेंगे 11। ठीक है, इसमें Na प्लस माइनस ऋण आयन, यहाँ किलो आप क्लोरीन को देख लीजिए क्लोराइड ऋण आयन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण NaCl। अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में दर्शाया गया है। Mg प्लस 2, 2 प्लस आयन और 2 माइनस आयन, मैग्नीशियम धन आयन क्लोराइड आयन, देख रहे हैं आप लोग इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या त्रिविद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप MgCl में उपस्थित धन आयन एवं ऋण आयन के नाम बता सकते हैं? इसमें Mg माइनस में MgCl2 में, ठीक है, Cl माइनस ऋण आयन। चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप को देखते हैं। एक बात याद रखिए, बहुत क्रियाकलाप रहते हैं, इसी के द्वारा आपका समझाया जाता है आपको पूरा, लेकिन आपको इस क्रियाकलाप को केवल पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो पॉइंट दिया रहता है उसे देखिए बड़े ध्यान के साथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसे भी। विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य लवण का नमूना लीजिए। इन लवणों की व्यवस्था, लवणों की भौतिक अवस्था क्या है? धातु की स्पेचुला पर छोटी मात्रा में नमूने को लीजिए, उसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, अन्य नमूनों के साथ भी यही क्रिया दोहराइए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या यह नमूने ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं? क्या यौगिक पिघलते हैं? नमूने को जल पेरोटोल एवं केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये घुलनशील है? चित्र 3.8 की तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन में इलेक्ट्रोड डाल दीजिए।
आप क्या देखते हैं? इस प्रकार अन्य लवण नमूनों को भी जांच कर सकते हैं आप लोग, यानी यौगिकों की प्रगति प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, अगर आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं तो करिए आपका अगर मन है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि छोड़िए इन सबको, पढ़िए एक दो बार और आराम से निकल जाइए, क्योंकि आपको कोई परीक्षा पास नहीं करनी हुआ, आपको केवल एक समझ विकसित करनी है, सोच, उसके लिए आपको आराम से समझ में भी आ जाता है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो। प्रयोगशाला में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। चित्र 3.7 को देखिए, स्पेचुला पर लवण के नमूने को गर्म करना, ये बर्नर हो गया, ये नमूना युक्त स्पेचुला हो गया, देख रहे हैं, यहाँ आपको दिखाई देगा। चित्र 3.8 को देखिए, लवण के विलयन की चालकता की जांच करना, ये बैटरी, ये रेड आयन, ये धन आयन, ये आपका बल्ब हो गया, ये स्विच हो गया, बीकर, ग्रेफाइट छड़, सेल में आप देखते ही होंगे, जांच वाला ये लवण विलयन हो गया, ठीक है। कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक याद रखिए, इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बन जाता है। ये आयनिक यौगिक हो गए, एक गलनांक हो गया आपका, एक क्वथनांक हो गया, ठीक है। जैसे NaCl का ले लीजिए, इसका गलनांक है आपका 1074, कितना 1074। क्वथनांक की अगर बात करें हम लोग तो 1086। LiCl इसका 887 और क्वथनांक की बात करें तो 1600। CaCl2 1045 1900। CaO 2850 3120। MgCl2 981 1685। आयनिक युगों के निम्न सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा, कौन कौन से? भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर सिकुड़ने टुकड़ों में टूट जाते हैं। क्या आप अगर पेशा डाल दें इस पर तो ये क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें घुलनशीलता, विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील, केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में आविलय रहता है, ठीक है। फिर आपका विद्युत चालकता, किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जब विलयन में बहुत विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और एवं विद्युत का चालन करते हैं। किसका? विद्युत का चालन करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं धातु की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपरपटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। आपने सुना होगा खनिज संसाधन, इस तरह के शब्द आपको दैनिक अपने जीवनचर्या में भी सुनते रहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं। आप कह देते ना कि ये राज्य खनिज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो उसी की बात कर रहा हूं। धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपरपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर चांदी, प्लेटिनियम एवं कॉपर तांबा, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले ये आपकी धातुएं हैं। कौन कौन सी? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और कॉपर। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या फिर ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है के एन ए सी ए और एम जी ए एल, इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप से रूप में नहीं पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातु हैं जैसे जेड एन एफ ई पी वी आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपरिपटी में ये मुख्यतः ऑक्साइड सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं और ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता वो पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ये सभी आप देख रहे हैं विद्युत अपघटन, कार्बन के उपयोग से अपचयन प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित, ठीक है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, फिर आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरा है आपका उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, इनकी बात कर रहा हूं। अयस्क शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है। इन चरणों का सारांश 3.10 चित्र में आपको दिया गया है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत चर्चा भी की गई है। चलिए देख लेते हैं उन्हें भी हम लोग। देखिए अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण यानी कि स्टेज, अयस्क अयस्क का सांद्रण, इसे तीन तरह से आप देख सकते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, फिर आपकी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो सबसे पहले आप देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, गलित धातु या गलित धातु का विद्युत अवघटन, फिर आपका शुद्ध धातु। अगर आप दूसरे प्रकार में देखेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में तो कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क, इसे निस्तासन इसे भर्जन द्वारा, फिर आप देखेंगे धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन और धातु का शोधन, ये लास्ट पहुंच गए। तीसरा अगर हम लोग देखें कि निम्न अभिक्रियाशील धातु में सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन भर्जन और धातु और यहाँ परिष्करण, ठीक है। अब बात करते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। ये वो गैंग नहीं है, याद रखिए। ये जब भी आप लोग इस तरह के खनिज निकालेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि आपको मिट्टी रेत इस तरह की अशुद्धियां भी साथ में देखने को मिलेंगी, तो इन्हें अलग करना होता है। धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एक एवं गैंग की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती हैं, ठीक है। इन्हें जो गैंग इस तरह के मिट्टी रेत होते हैं इन्हें अलग करने के लिए। फिर आपका सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रिय अनभिक्रिय क्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार एच जी एस मरकरी पार का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होती है और अधिक गर्म करने पर हम देखेंगे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी यानी कि पारद में अपचरित हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं 2GS ऑक्सीजन के साथ आप लोग देखेंगे इसे गर्म करेंगे खुले में तो ये क्या देखिए 2GSO प्लस SO2, फिर आप देखेंगे इसे 2GO को हम लोग अगर ताप यानी कि गर्म करेंगे तो देखेंगे 2HG और प्लस O2 ऑक्सीजन अलग। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसका अयस्क से अलग किया जा सकता है। इस तरह से आप देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण यानी कि अलग करना। सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है और प्रकृति में प्रा सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर
यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग भरजन करते हैं। क्या कहते हैं? भरजन। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तापन। निस्तापन, ठीक है। और जिंक के अयस्कों को के भरजन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। देख लीजिए, 2Z ZnS + 3O2, यानी कि ये अभिकर्मक है। जैसे ही आप लोग गर्म करेंगे इसे तो ये क्या देखेंगे? 2ZnO + 2SO4, निस्तापन। ये भरजन हो गया था, ये निस्तापन। ZnCO3 ताप के द्वारा इसे ताप करेंगे तो ZnO + CO2 देखने को मिलेगा। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाती है, इस तरह से। ठीक है, प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले ही परिचित हैं। धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम है। कार्बन कोयला का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कौन सी? 3MnO2 + 4Al4Al, ए आपके अभिकर्मक हो गए, ए उत्पाद 3Mn + 2Al2O3 + ऊष्मा आपको देखने को मिलेगी। रेल पटरियों को संदिग्ध करने के थर्मिक प्रक्रम, इसे भी तो आप देखते रहते होंगे रेल पटरियों पर इस तरह की दिखाई। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती हैं। इससे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मेट अभिक्रिया कह देते हैं, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका आप लोग सूत्र भी देख सकते हैं यहाँ, Fe2O3 2LAl, और ये क्या देगा? 2Fe + Al2O3 + ऊष्मा। ठीक है, पता है बड़ा बोरिंग लगता है, आपको लगता होगा, सबको लगता है अगर इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक दो बार पढ़िए और निकल जाइएगा आराम से। जब स्पेशल बुक्स आप लोग पढ़ेंगे कोई भी, तब भी आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक कम से कम बेस क्लियर हो जाना चाहिए, कहने का मतलब इतना ही। आपको कोई ज्ञाता नहीं बनना है। जब भी आप लोग सिलेबस उठाएंगे कभी भी, देखना तो उसमें लिखा रहेगा कि सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको सामान्य वैज्ञानिक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे ही हासिल कर लें वैज्ञानिक। अब है आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इसके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। किसके? कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। कैथोड ऋण आवेश इलेक्ट्रोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं और एनोड यानी कि धन आवेशित इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अभिक्रिया इस प्रकार हो सकती है, कैथोड कैथोड पर आप देखेंगे Na+ + iridine Na सोडियम, एनोड पर आप 2Cl iridine Cl2 + 2e iridine में। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। आप चलते हैं धातुओं का परिष्करण देख लेते हैं। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे पहले विचलित विधि
विद्युत अवघटनी परिष्करण है। कौन सी? विद्युत अवघटनी परिष्करण। कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अवघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अवघटन के रूप में होता है। चित्र 13.12 यानी कि इसकी बात कर रहा हूं के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है और विद्युत अवघटन में जल विद्युत अवघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अवघटन में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अवघटन से अवघट से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम लोग एनोड पंक कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंक। यहां देख लीजिए आप तो कैथोड, एनोड, कुंजी, ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है, टैंक हो गया और अपतिव्य एनोड पंक हो गया जिसकी बात कर रहा हूं। तांबे का विद्युत अवघटनी परिष्करण, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अवघट है, अशुद्ध तांबा एनोड है जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रभावित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है आपका। अब आप दूसरी विधि आपकी संचारण। संचारण के संबंध में अध्याय एक में आप निम्न बातों का अध्ययन कर चुके हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा देखने को हमें मिलता है। कॉपर वायु में उपस्थित आद्य कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है आपका। लंबे समय तक आद्य वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्तिकी यानी कि जंग टाइप की लग जाती है, जिसे आप लोग जंग कहते हैं। इसे तो आप वैसे भी अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनसे लोहा पर जंग लग जाती है। क्रियाकलाप 3.14 को हम लोग देखते हैं। तीन परख ने लीजिए, पितेक में स्वच्छ लोहे की कील डाल दीजिए। इस परख नली को ए बी और सी नाम दीजिए। परख नली ए में थोड़ा जल डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। परख नली बी में उबलता हुआ आसवित जल डालकर उसमें 1 ml तेल मिलाइए एवं कॉर्क से बंद कर दीजिए। तेल जल पर तैरने लगेगा और वायु को जल में विलीन होने से रोक देगा। परख नली सी में थोड़ा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड डालकर उसे कॉर्क से बंद कर दीजिए। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड वायु की नमी को सोख लेगा और इन परखनलियों को कुछ दिन छोड़ने के बाद उनका परीक्षण यानी कि उनका उन्हें देखिए। आप देखिए इस तरह से ये वायु 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 शुष्क वायु यहाँ आपको तेल की परतें यानी कि अंदर जाने से रोक दिया है वायु को। जंग लगी लोहे की कील, ये जल भरा हुआ है, ठीक है, उबलता हुआ आश्रित जल है, विलीन वायु को निकालने के लिए उबाला जाता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है शुष्क कर्मक शुष्क वायु। इसमें आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि परखनली ए में रखी लोहे की कीलों पर जंग लग गया है लेकिन परखनली बी और सी में रखी कीलों पर जंग नहीं लगा है। सीधा सा मतलब आप निकाल सकते हैं कि अगर जंग लगना है तो खुली वायु जरूरी रहेगी। आप चलिए एक डिब्बे में आप लोग रख दीजिए कीलें, कुछ भी इस तरह के टुकड़े लोहे के, कभी उस पर जंग नहीं लगेगी, उसमें अंदर हवा नहीं जानी चाहिए यानी कि वायु नहीं जाना चाहिए। और आप पाइप डाल देते हैं खुले में तो आप क्या देखते हैं कि जंग लग जाती है। और कभी कभी आपने मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे गेट होते हैं उन पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं अगर हमारे लोहे के गेट होते हैं, क्योंकि जैसे क्या रहता है कि वायु अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है प्रिंट से और वो सुरक्षित बने रहते हैं। परखनली ए की कील वायु एवं जल दोनों के संपर्क में रहती है और परखनली ए की कील केवल जल के संपर्क में रहती है एवं परखनली सी की कील शुष्क वायु के संपर्क में रहती है। इससे लोहे की वस्तुओं में जंग लगने की अवस्थाओं के बारे में आप हम क्या कह सकते हैं? वायु सबसे महत्वपूर्ण होती है इसके लिए, ठीक है। फिर आपके संचारण से सुरक्षा यानी कि इस तरह की सुरक्षा क्या हो सकते हैं? प्रिंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या सब लेपन करके, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परख चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। इसे आप लोग अपनी दैनिक जीवनचर्या में देखते भी रहते हैं, ठीक है।
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग यस्त्र लेपन कहते थे। याद रखिए, जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यस्त्र लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाने की एक अच्छी विधि मिश्रत्वान है। इस विधि में हम इच्छानुसार धातुओं के अत्यंत गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है और एवं गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खिंच जाता है, लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% हम लोग मिलाते हैं तो यह कठोर और पेबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है और जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी भी धातु के गुणधर्म को बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। एक बात और आपको बताऊं, हम लोग जो हमारे यहाँ आभूषण पहनते हैं ना, हमारे यहाँ की जो भी आपके घर में भी देखा होगा, हमारी इस तरह की पहनते रहते हैं लोग, तो उसमें आप देखेंगे सोना शुद्ध सोना नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ धातु मिलाई जाती है। तांबा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा अधिकतर तांबा ही मिलाया जाता है, इसलिए क्योंकि शुद्ध सोने का आप लोग आभूषण नहीं बना सकते हैं। वो तुरंत जहां भी आप देखेंगे मुड़ने में बड़ी दिक्कत आती है और टूट जाएगा, और उसे एक तरह से आप किसी भी आपने कोई भी अंगूठी बनवा रहे हैं तो उसे आकार देने में बड़ी परेशानी आएगी। तो उसमें कुछ इस तरह के और भी धातु मिला दी जाती है तो आसानी से होता है। यहां देख लीजिए आप लोग, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य होता है कि 22 भाग शुद्ध सोने से और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोने का कैरेट कितना? 24 कैरेट। लेकिन आप देखेंगे कि 22 कैरेट सोने की आप उपयोग करते हैं, उसी का बना हम लोग जो भी आभूषण होते हैं, जो भी पहनते हैं, पहनते रहते हैं। यदि कोई एक धातु परत है तो इसके मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल और तांबे एवं टिन की मिश्र धातु कांस्य विद्युत के कुचाल रखें, लेकिन तांबे का प्रयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा टिन की मिश्र धातु सोल्डर है जिसका उपयोग गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर बैंडिंग के लिए हम लोग करते हैं। ये आपने देखा होगा प्राचीन भारतीय धातुकर्म का चमत्कार, दिल्ली स्थित लोहे स्तंभ, इसके बारे में आप लोग इतिहास में बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि ये सोचिए कि हजारों साल से उसी तरह लगा हुआ है, लेकिन आप सोचिए फिर भी इसमें जंग नहीं। लगभग आपका 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहे कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहे स्तंभ बनाया। उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। स्तंभ की जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लोहे स्तंभ 8 मीटर ऊंचा, इसका आधार 6 टन है। इसका भार कितना है? 6 टन। आप समझ सकते हैं कि 6000 किलोग्राम, ठीक है। फिर भी अभी देखेंगे इसमें जंग कहीं से आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप समझ सकते हैं कि 1600 साल पहले भी हमारे यहाँ इतने अच्छे एक तरह से स्तंभ बनाने वाले हुआ करते थे, जो भी धातु का काम किया करते होंगे वो भी जानते होंगे कि इस तरह का हो सकता है। तो आपने क्या क्या सीख लिया है? तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं तन्न, अगाध, चमकीली एवं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर पारद द्रव अवस्था में होती है, तो इसके बारे में भी याद रखिए, पूछ ले सकता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी हम लोग ऑक्साइड कहते हैं।
जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इन सबके बारे में पीछे देख चुका हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़िए। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन के को विस्थापित कर सकती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में या फिर अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को धातु क्रम हम लोग कह देते हैं। दो या दो से अधिक धातुएं धातुओं तथा एक धातु या फिर एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कह देते हैं। लंबे समय तक आद्र वायु के संपर्क में रहने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह संक्षारित हो जाती है। इस बड़ी घटना को हम लोग संक्षारण कहते हैं। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं और यह ना तो अगाध वर्त और ना ही तन्न होती है। कौन सी? अधातु। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, एक तरह से अपवाद है अधातु का। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाती हैं। अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय और उदासीन होती है। अधातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं और यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती हैं। तो ये थी आपका एक तरह से निष्कर्ष चैप्टर का। ये आपके इसी से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लगाते रहिए। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए, उसमें बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। वैसे सभी डाल दी गई हैं आपकी। चलिए तो अगला चैप्टर हमारा होगा कार्बन और उसके यौगिक, चौथा चैप्टर।